यस स्टूडेंट्स, पाई चार्ट कल मैं आपको पाई चार्ट पढ़ा रहा था, एक सम किया था। क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर का नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके बुक से मैं क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिया। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट बनाना है आपको। अब इसमें दिया हुआ है कि एक फैमिली में फूड पे जितना कमाता है उसका 40% खर्चा होता है, क्लोथिंग पे 20%, रेंट पे 10%, एजुकेशन पे 10%, अनफोर्सिन इवेंट अचानक कोई बात हो गया, कोई गेस्ट आ गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई दूसरा खर्चा लग गया, तो ये अनफोर्सिन इवेंट कहलाता है, ये 15%, और दवाई दारू में 5%, कितना उसको खर्चा होता है, टोटल कितना होता है 100%। और सेंट्रल एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बाय सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितना है 40, टोटल का सम कितना हुआ 100, तो 40/100 इनटू 360, इसको हम काटेंगे तो 140 हो रहा है। फिर इसी तरह से 20/100 इनटू 360, 10/100, यहाँ टोटल जो आएगा ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ जो वैल्यू रहेगा, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, ये टोटल वैल्यू, उसको 360 से इनटू करना है। इनटू करने पे सेंट्रल एंगल मिलेगा, ये एंगल जो मिलेगा इसका सम आप करोगे, इसका सम अगर 360 आता है तब तो आपका ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है सही है, अगर ये 360 नहीं आया आपने कहीं मिस्टेक किया, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पाई चार्ट जो बनाते हैं वो सर्कल बनाते हैं। सर्कल हम कितना बड़ा बनाएंगे, जो हमारे नोटबुक में इजीली आ जाए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा अगर बना दिए आप तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, हाफ ऑफ द पेज में लगभग आप सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल में ये सेंटर होगा और आप सबसे पहले ये एक लाइन खींचेंगे, पहला एंगल 144 डिग्री है, यहाँ 90 होता है, 144 लगभग जो है आपको इतना मान लो 144 डिग्री, ये यहाँ पे आप लिखेंगे 144। और इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फूड, मतलब इतना खर्चा होता है फूड में, तो यहाँ लिख देंगे फूड। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लोथिंग में कितना 72 डिग्री, मान लीजिए ये आपको क्लोथिंग है, यहाँ लिख देंगे 72 डिग्री और यहाँ लिख देंगे क्लोथिंग, कहीं दिया क्लोथिंग। फिर उसके बाद 36 डिग्री किसमें, रेंट में, तो 36 डिग्री रेंट, ये 36 डिग्री मान लो और ये भी मान लो 36 डिग्री, ये रेंट में हो गया, ठीक है। फिर 54 अनफोर्सिन, मान लो इसको आप छोटा कर लीजिए, ये आपको अंदाज में नहीं करना है, ये जो एंगल्स आप बनाएंगे ये एंगल आपको किससे बनाना है, ये एंगल आपको प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना है। और ये फूड हो गया, ये क्लोथिंग हो गया, ये मान लीजिए रेंट हो गया, ये रेंट, ये एजुकेशन, और फिर उसके बाद 54 डिग्री क्या हो गया, अनफोर्सिन, ये हो गया 54 डिग्री, ये आपको अनफोर्सिन इवेंट जो भी है मैं शॉर्ट में लिख दिया, और ये हो गया मेडिसिन, ये हो गया मेडिसिन, इसको आप अलग अलग प्रोटेक्टर से एंगल बना के रिप्रेजेंट करना है। और फिर आप क्या करेंगे, तो इसको आप शेड कर देंगे, अलग अलग ढंग से शेड करेंगे, अलग अलग डिजाइन बना देंगे। मान लीजिए इसको मैंने वाइट छोड़ दिया, इसको मान लो मैंने सिंपली इस तरह से कर दिया, इसमें मान लो मैंने क्रॉस कर दिया इस तरह, इसको मान लीजिए मैंने डॉट 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 लाइन से कर दिया, इसको मान लो मैंने गोल गोल इस तरह से किस करके, अलग अलग डिजाइन का बना दीजिए ताकि आपको ये अगर कॉपी में बनाएंगे और ढंग से बनाएंगे तो सुंदर लगेगा। ये अलग अलग डिजाइन से इसको फिलअप कर दीजिएगा, सब में मेंशन कीजिएगा। इस तरह से हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, तो पाई चार्ट में ये तो दिया ही रहेगा, ये दिया ही रहेगा, सेंट्रल एंगल आपको निकालना है। सेंट्रल एंगल क्या निकालते हैं, इसको ऐड करके जो आता है उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ जो वैल्यू होता है ऊपर लिखते हैं, उसको 360 से इंटू करते हैं, इसका जो टोटल सम आएगा वो हमेशा 360 आना चाहिए,
अगर 360 नहीं आया तो आपका गलत है। इस तरह से हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के ये बनाएंगे, इससे बाद मैं कुछ कुछ छोड़ दिया था या छूट गया था, हमसे छोड़ तो नहीं दिया था, छूट गया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, मैं रेंज नहीं बताया था, या बताया भी था तो हमको ध्यान से नहीं है, क्योंकि कॉपी तो देखते नहीं है मैंने क्या लिखाया था, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, इसलिए मैं इसी बता देता हूँ फिर से। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कहीं पे अगर आपको रेंज निकालने बोलता है। उसके बाद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये सब आप देख लेंगे यहाँ निकालने बोलते हैं और निकालेंगे। क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर उसके बाद क्लास मार्क, क्लास मार्क इक्वल टू आप लिख देंगे, क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू, ये आपको क्लास मार्क होता है ऑफ दैट क्लास। अब क्लास कैसी रहता है, ऐसी मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अब ये कहलाता है लोअर लिमिट, ये कहलाता है अपर लिमिट। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है सब में, तो क्लास साइज क्या हो गया, या क्लास इंटरवल, या इसको क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल को दूसरा नाम क्लास साइज भी बोलते हैं। तो क्लास साइज या क्लास इंटरवल दोनों को माइनस करके करेंगे। और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, मान लो किसी भी क्लास में एग्जाम हुआ और 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, हाईएस्ट 20 मिला और लोएस्ट 5 मिला, तो रेंज ऑफ द डाटा क्या है, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 हो गया रेंज ऑफ द डाटा। आप इस तरह से ये चैप्टर आप बनाने का कोशिश करेंगे एक्सरसाइज। इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैं एक्सरसाइज इसी चैप्टर में उसको मैं अगले दिन शुरू करूँगा। थैंक यू।